हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ शानदार कार। इस कार का नाम है यकूजा मिनी इलेक्ट्रिक कार। देखिए आप इस कार को, आपको कार देखते ही रहने का मन करेगा। बहुत ही सुंदर कार है ये, और इंडिया में अब ये लॉन्च हुई है, और ये इंडिया में ही बनी है। बेसिकली ये देसी कार, इसे कह सकते हो देसी इलेक्ट्रिक कार। दोस्तों ये अब टाटा नैनो और एमजी कॉमेट को टक्कर देने आ चुकी है मार्केट में। दुनिया की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है ये। इसका नाम यकूजा इलेक्ट्रिक मिनी कार है। ये इंडिया में ही बन रही है, देसी इलेक्ट्रिक कार इसे कह सकते हैं। इतनी सस्ती है कि हर कोई खरीद सकता है इसे। स्कूटर और बाइक के भाव में है ये। जितने में आप स्कूटर लेते हैं या एक बाइक लेते हैं, बस उसी भाव में है ये। और इसमें 5 कलर अवेलेबल हैं, और इसमें फ़ीचर इतने गजब के दिए हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन फ़ीचर हैं इसमें। पावर विंडो है, पुश बटन है, मोबाइल कनेक्ट है, गूगल मैप आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो। इसमें बैक कैमरा भी है, आप इसे बैक करने जब आप गाड़ी बैक करेंगे ऑटोमेटिकली पीछे कैमरा इसमें ऑन होगा। बैक कैमरा भी है इसमें। दोनों साइड स्पीकर भी हैं, जो कि आप म्यूज़िक चला सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। और वैसे तो इस कार की जो कंपनी से इसमें सीट अवेलेबल है, जो कैपेसिटी है वो 3 लोगों की है, लेकिन आसानी से इसमें 4 लोग बैठ सकते हैं। मैंने खुद इसमें बैठ के देखा है, 1 लोग आगे और 3 लोग आराम से पीछे बैठ सकते हैं। अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि कितनी बड़ी इसकी सीट है, जिसमें आप आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं, और इतनी आसानी से आप इसे पार्क कर सकते हैं। बहुत जगह इसे चाहिए नहीं। टाटा नैनो के जैसा ही, टाटा नैनो इलेक्ट्रिक में 8.5 लाख की है, एमजी कॉमेट इलेक्ट्रिक में 9 लाख की है, और इस कार की कीमत मात्र 1.5 लाख रुपये। हाँ जी, मात्र 1.5 लाख रुपए इस कार की कीमत है, जो कि एक बाइक की कीमत होती है। देखिए दोस्तों, इसमें अभी 1 लोग आगे और 2 लोग पीछे बैठे हुए हैं, जो कि बहुत ही कंफर्ट आराम से बैठे हैं। एडजस्ट करें तो पीछे आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं। 4-5 घंटे में ये फुल रिचार्ज हो जाती है, और एक बार रिचार्ज होने पर कंपनी दावा कर रही है कि 100 से 150 किलोमीटर तक चलती है। एक बार फुल रिचार्ज होने पर 4 से 5 घंटा लेती है। दुनिया की अब तक की सबसे सस्ती कार है ये। बहुत अच्छी कार है, बाइक और स्कूटर के रेट में है। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में बनी हुई ये कार है, मेड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है ये। और ऊपर इसके रूफ भी है। इतनी छोटी कार में, इतने कम बजट में इन्होंने ऊपर रूफ भी दिया हुआ है। दोस्तों, इस कार की ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन बुक करने से पहले दोस्तों, इसके बारे में पूरी जानकारी ज़रूर लें। दोस्तों, मेरे पास इस कार के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी, लेकिन आप कार लेने से पहले इसकी पूरी डिटेल, पूरी जानकारी कंपनी से ज़रूर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर साइंस से, मशीनरी से रिलेटेड वीडियो लगातार आती रहती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।